हेलो एवरीवन आज हम लोग क्लास फाइव का पॉलिनेशन को या स्टडी करेंगे इसके बारे में समझेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनेसन में हम लोग जो लर्निंग ऑब्जेक्ट में सीखेंगे वो हम लोग सीखेंगे कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स पॉलिनेसन एंड टाइप्स टाइप्स एंड फ्लावर्स तो ये थ्री हम लोग इसके बारे में आज जानेंगे तो स्टार्ट करते हैं क्या होता है फ्लावर्स फ्लावर्स आर द मोस्ट कलरफुल ब्राइट एंड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स जो प्लांट्स का सबसे कलरफुल uh, ब्राइट और अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ पार्ट होता है वो होता है फ्लावर्स दे आर द साइट ऑफ द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड दे प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स ये प्लांट्स uh, के रोप जो होते हैं ना साइड्स होते हैं तो ये क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं फ्रूट्स एंड सीड्स दे हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स थ्रू सीड्स ये न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं किसके थ्रू सीड्स के थ्रू द प्लांट्स हैव अ वेरी क्लोज कनेक्शन विद फ्लावर्स सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग दे फ्रॉम एंड Integral part of our life. Whether there is any wedding party, religious occasion, uh, usually they look very beautiful and attractive, but in some plants like grass and paddy, the flowers are small, dull in color, and unattractive. तो प्लांट्स हमारे डेली लाइफ में भी यूज होते हैं कि जैसे कभी वेडिंग पार्टी हो किसी रिलीजियस में हो कभी ओकेजन हो तो वहाँ पे हम लोग प्लांट्स के फ्लावर्स को देख सकते हैं और ये बड़े ही अट्रैक्टिव होते हैं कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर्स अट्रैक्टिव नहीं हैं जैसे ग्रास पैडी ये छोटे होते हैं डल होते हैं अट्रैक्टिव नहीं होते नेक्स्ट है हमारा पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स में हम लोग समझेंगे फ्लावर्स द फ्लावर्स वेरी इन साइज फ्लावर्स वेरी जो करते हैं वो साइज कलर टेक्सचर स्मेल एंड सेप इन नेचर देर आर मैनी वेरायटीज देर आर मैनी वेराइटीज ऑफ फ्लावर्स तो फ्लावर्स के बहुत सारे वेराइटीज होते हैं बट ऑल द फ्लावर्स हैव कॉमन पार्ट्स सभी फ्लावर्स में कॉमन पार्ट्स होता है विच स्पेशल कनेक्शन द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स आर अरेंज इन फोर वर्ल्ड आर कंसेंट्रिक रिंग्स तो ये इनके पास फोर वर्ल्ड होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं तो इनको कहते हैं हम लोग काइलेक्स कोरोला एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। चलिए इसके बारे में स्टडी करते हैं तो कालेक्स क्या होता है इट इज द फर्स्ट एंड आउटर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स तो फ्लावर्स का सबसे पहला और आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है वो होता है काइलेक्स ये क्या करता है इट कंसिस्ट ऑफ सेपल्स इसके पास सेपल्स होते हैं द सेपल्स आर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो सेपल्स होते हैं वो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं दे आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ फ्लावर्स ये फ्लावर्स के बेस पे दिखाई देते हैं दे मे बी थ्री आर मोर इन नंबर इनका जो नंबर होता है थ्री या थ्री से ज्यादा भी हो सकता है ऑल सेपल टूगेदर आर कॉल का सभी सेपल्स को एक साथ जब हम लोग कहेंगे तो उनको कहेंगे काइलेक्स इसके फंक्शंस क्या होते हैं दे प्रोटेक्ट द फ्लावर्स एट द स्टेज ऑफ बर्ड जब फ्लावर्स हमारा एकदम छोटा बर्ड्स के फॉर्म में रहता है तो ये उसको प्रोटेक्ट करता है एंड आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस अब बाहर से ये फोटोसिंथेसिस लेकर फूड बना के ये बर्ड को देता रहता है ये दो वर्क करता है पहला क्या करता है द प्रोटेक्ट द फ्लावर एट द स्टेज ऑफ बर्ड एंड आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस को भी ये कैरी आउट करता है